सबसे पहले बात करते हैं कौशाम्बी के बहादुरपुर गांव की, जहां पर एक युवक की रहस्यमय मौत ने गांव को जंग का मैदान बना दिया। लगभग पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक घंटे तक पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस वालों पर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बहादुरपुर गांव में एक युवक, जिसका नाम मुलायम सिंह बताया जा रहा है, उसको 2 दिन पहले कस्टडी में लिया था, जिसकी मौत रहस्यमय हालत में हो गई थी। लाश गांव के ही पेड़ से लटकी मिली थी। इस घटना में ग्रामीण अधिकारियों से मांग कर रहे थे कि मंझनपुर थाना पुलिस के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिसकर्मियों को बचाने में जुटे बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में महज 2 होमगार्ड और 1 दीवान पर कार्रवाई कर चुप बैठे थे। गांव के बाहर तकरीबन 8 घंटे तक लाश रखकर इंसाफ की मांग कर रहे ग्रामीणों का सब्र टूटा और उन्होंने अपनी मांग का हिंसक रास्ता अपना लिया। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सड़क जाम करने जा रहे थे कि तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। वहीं ग्रामीणों और पुलिस के संघर्ष की खबर जब DM और SP को हुई तो वह भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कार्रवाई से पहले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से गांव में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के डर की वजह से कोई भी परिजन उनसे बात करने को सामने नहीं आया। मजबूरन उन्हें उल्टे पाँव वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले पर अब पुलिस अधीक्षक कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वहीं जिलाधिकारी भी इस मामले पर जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। ये एक युवक इसी गांव की एक लड़की को लेके चला गया था, जिसका इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था। परसों पुलिस ने इसकी बरामदगी की, अपहरता की भी और युवक की भी, और युवक कल थाने में से कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही से ये निकल गया और बाद में जाके इसने सुसाइड किया। इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी थे उनके तत्काल निलंबन की कार्रवाई कर दी गई, और रात में इन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसका PM कराया जाए। रात में PM कराया गया। आज दिन में इन लोगों को काफ़ी समझाया गया कि बॉडी का क्रिमेशन करें, जो भी मांगे हैं अपनी मांगे बताएं। इस पर कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर रास्ता जाम करने का प्रयास किया, जिसे हटा दिया गया है। बॉडी हम लोगों के कब्जे में है और शीघ्र उसका क्रिमेशन हम लोग बातचीत करके करवाएंगे। पुलिस पर पथराव किए जाने की और पुलिस द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की बात की जाए, पुलिस पर कुछ लोगों ने पत्थर चलाया है, इसलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। कुछ लोगों को मौके से पकड़ा गया है और बाकी वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।